हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज दोस्तों हम देखेंगे कि हम लोग रेजिन से जो पीस है वो कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ठंड के टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स होती है रेजिन के साथ, जो कि पीस निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी मैंने ये एक डबल पार्ट का बोर्ड बनाया है कुछ इस तरह का, और जो मैंने सिलिकॉन यूज़ करा है वो 3483 3483 यूज़ करा है। तो आइए देखिए अब हम इसमें से जो है पीस किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है रेजिन ले लिया है और उसमें हार्डनर को मिक्स कर हम इसमें डाल देते हैं। और दोस्तों हमें थोड़ा, क्योंकि कुछ बबल्स आ जाते हैं तो जिस वजह से हमें पहले थोड़ा सा जो रेजिन है उसको इस तरह से हम इस पीस पर जो है लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में। देखिए इस तरह से, और उसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। आप लोग भी अगर इस तरह का काम सीखना चाहते हैं मुझसे तो हमारी दिल्ली वर्कशॉप में ये काम सिखाया जाता है। आप लोग उसकी जानकारी मुझसे ले सकते हैं कि उसमें आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी और कितने दिन का जो है ये कोर्स रहेगा। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर मुझे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद हमने थोड़ा सा रेजिन और लेना है और इसको हम इस तरह से मोल्ड में डाल देंगे। पीस थोड़ा बड़ा है तो हम इसको जो है होलो बनाएंगे। इस तरह से हमें इसको हर कोने पर पहुंचाना है ताकि हमारा जो जो भी आइटम है वो अच्छे से निकले। आपको आज मैं ये पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ आगे मिलती रहे। तो आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अभी हमने इस डाई को घुमाया था ये देखिए क्योर हो गया है। तो दिखाना हाथ लगा के, जम गया है ना। हाँ ये देखो, ये क्योर हो गया है। अब इसको हम देखिए किस तरह से रिलीज़ करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले हम जो हमने सपोर्ट बनाई है फाइबर की, डाई की सपोर्ट, उसको हटाएंगे और आगे का पार्ट अलग करेंगे। और उसके बाद हम डाई को कुछ इस तरह से लॉक उसके पहले रिलीज़ करेंगे और उसके बाद हम डाई को रिलीज़ करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो ये पीस है वो कैसा बना है। ये देखिए, अब इसी तरह से हम उसके बैक साइड में पहले फाइबर की सपोर्ट को हटाएंगे, उसके बाद हम अपने डाई को हटाएंगे इस तरह से। और ये जो इसका वेस्टेज पार्ट है इसको हम हाथ से हटा देंगे। ये देखिए हमारा जो पीस है वो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए इस तरह की कई तरीके की जानकारी लाता रहूँगा इसी रेजिन आर्ट से रिलेटेड। और अगर आप लोगों को रुचि है इस काम में या आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे, जो मेरा नंबर नीचे आ रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी मैं सिखाता हूँ इस काम को उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।